ये है कैफी अमेरिकनो और ये मंगवाए हैं भाई दो। मतलब यहाँ एडवांस हो गया सब कुछ, ये जो मशीनें लगा गाइस, ये है पॉप नाम का, ये देखो भाई। अब है हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया हो गए भाई, मैं भी बढ़िया। अभी भाई यहीं पे खाएंगे पिएंगे और अभी यहीं पे रुकेंगे, सुबह की फ़्लाइट है 5:40 की, तो देखते हैं अभी चलते हैं भाई कुछ खाने पीने, यहाँ कुछ अच्छा सा मिले तो। बाकी यार ये तो दूसरी तरफ जा रहा है, चलो कोई नहीं भाई, उस गेट से अंदर फिर घुस जाएंगे, तो अभी चलते हैं कहाँ जाएंगे देखते हैं भाई। अभी पहले स्टारबक्स, ये रहा इधर कॉफ़ी पीने, उधर चल के देखते हैं भाई कौन सी मंगवाता हूँ, दिखाऊंगा आपको भी। पहले कर लेते हैं गाइस, ये कॉफ़ी है, ये है कैफी अमेरिकनो और ये मंगवाए हैं भाई दो। अभी टेस्ट करके देखते हैं, ये है भाई क्या नाम है, करी पफ, देखते हैं भाई मतलब कैसे हैं ये कैसे नहीं, बाकी यहाँ का कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। फिर पी ली और भाई थोड़ा बहुत खा भी लिया, ऐसे उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, अंडा ही था और तो कुछ था। येरा पीछे एक और है, इससे बड़ा है वो स्टारबक्स का ही है, ये छोटा सा है तो वो भी दिखाता हूँ, वो यही सामने ही है। तो अपना अब फ़ोन में भी मतलब चार्जिंग कम है, सिम ले ली, एक्सचेंज करवा ली पैसे, और अब अपना उधर चल के आराम से बैठते हैं, फ़ोन चार्जिंग पे लगाते हैं अपना, देखते हैं फिर। ऐसे नींद भी आ रखी है बड़ी ज़ोर से, आज यहीं रुकना है और कल मॉर्निंग में है फ्लाइट। फिर उससे बड़ा है मतलब जगह भी ज़्यादा है इसकी, उससे बड़ा है। चलो भाई इधर से हम सामने चलेंगे, उधर ऊपर की तरफ, उधर आराम से बैठेंगे, ये फ़ोन चार्जिंग पे लगाएंगे, नींद आ। ये मतलब चेयर डाली हुई है, अपना रेस्ट करो, मसाज करवाओ पैरों की। तो भाई हम इधर चलते हैं, इधर चलते हैं, इधर अपना चार्जिंग पॉइंट भी है और अपना आराम से उधर बैठ के, ये वेटिंग हॉल है भाई, ये यहाँ से लेके पूरा उस तरफ पीछे की तरफ तक, वैसे दो तीन है यहाँ बैठेंगे भाई अपन लोग, तो येरा चार्जिंग पॉइंट, यहाँ चार्जिंग पर लग जाएंगे, आराम से बैठेंगे यहाँ भाई। अभी जा रहे हैं नीचे खाना खाने, मतलब वेटिंग हॉल में थे तो टाइम हो गया 11:45 का, मतलब 11:45 बज गए, तो अब भूख लग रही है तो अभी चल रहे हैं भाई नीचे खा पी के और फिर आएंगे। अभी दिखा रहे हैं भाई, सारे काउंटर बंद हो गए, मतलब भीड़ भीड़ है नहीं कुछ यहाँ इतनी ज़्यादा, यहाँ देखते हैं भाई सुबह के मतलब 4 बजे के आसपास खुलेंगे, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो भाई बिल्कुल ही खाली हो रखा है, अब सुबह की फ़्लाइट है सबकी जो भी है यहाँ मतलब, तो भाई है नहीं, सब कुछ बंद है। बस भाई यहाँ कुछ डंका मिल जाए खाने के लिए, बाकी तो यहाँ सी फूड ही ज़्यादा मिलता है, मछली वगैरह केकड़े वगैरह ये सब चीज़ें, और ये मुझसे तो खाई नहीं जाएंगे, बाकी चिकन वगैरह खा लेता हूँ, बाकी देखते हैं और क्या मिलता है वेज में, वेज मिल भी पाता या नहीं मिल पाता। देखो भाई मतलब यहाँ एडवांस हो गया सब कुछ, ये जो मशीनें लगा रखी है, अब काउंटर पे कोई नहीं बैठेगा, यहाँ अपना स्कैन करो, ये जो लगा हुआ है ना ये इधर, ये पर्ची स्कैन करो और फिर बैग अंदर चला जाएगा और चलो भाई। तुम्हें बोर्डिंग पास तो मिल ही गया, बोर्डिंग पास यहाँ से निकलवा लिया था, यहाँ से यही स्लिप निकल के आई थी, ये चिपका दी इस पर, और फिर भाई अपना गेट नंबर वगैरह सब कुछ लिखा होता है उस पर गेट नंबर वगैरह सब कुछ लिखा होता है, फिर अपना फ्लाइट की तरफ रवाना हो जाओ आगे की तरफ भाई। हाँ
पूरा ही खाली हो रखा है यार, वहाँ तक दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा। कुछ खुली हुई है और ये देखो भाई कुछ बंद हो गई है, बाइक से ज़्यादातर बंद ही हो गई है, बहुत कम खुली हुई है। नीचे जाके भी देखेंगे, यहाँ कुछ नहीं मिलता तो खाने के लिए फिर गाइस बर्गर खाऊंगा यहाँ। मेरे को लगता है इसके अलावा और कुछ तो सही मिलेगा नहीं। ये भी मतलब देखते हैं, ये रहा इधर पीछे, वेज मिलता है या नॉन वेज। नॉन वेज खा लेता हूँ मैं, चलो फिर भी मतलब देखते हैं, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो साइड में एक और है और ये वाला इधर खाना पड़ेगा, तो एक बार देखते हैं भाई, चलते हैं इधर। भाई बंद हो गया ये भी, मतलब दोनों ही बंद हो गए, वो उधर दोनों दिखाए थे ना, बर्गर किंग भी हो रही वो भी। भाई साहब पता नहीं था यार इतनी जल्दी बंद हो जाएगा, क्या कर सकते हैं, कोई नहीं, एक देखते हैं इधर उधर घूम के, नीचे तो ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा कुछ ना कुछ, उधर चल के खाएंगे। गाइस ये पॉप नाम का, ये देखो भाई अब है इस जगह सही है, यहाँ से लिया हमें ये क्रेजी स्पाइसी मैक एंड चीज़ी एक, देखते हैं कैसा है, एक बार खा लेते हैं भाई फिर बताते हैं आपको कि कैसा था कैसा नहीं था। ओके भाई दिखने में तो ऐसा है, और साथ में ये ड्रिंक लिया है नेस्ले माइलो ओरिजिनल, तो देखते हैं भाई पीने में कैसा है, ये दिखने में तो ऐसा है, खा के देखते हैं फिर बताते हैं आपको कैसा है कैसा नहीं है। गाइस ये दोनों का टेस्ट बढ़िया है, मतलब खाने भी बढ़िया है और पीने के लिए कॉफ़ी है ये माइलो नाम से नेस्ले की, तो दोनों चीज़ बढ़िया है भाई, मतलब अभी टेस्ट का पता नहीं चल रहा। गाइस खाना वगैरह खा लिया है और भाई अब चलते हैं ऊपर की साइड अपना, और वैसे काफ़ी ज़्यादा तेज मिर्च थी, अब छोड़ दिया थोड़ा सा, मिर्ची ज़्यादा लग रही थी इसलिए, तो भाई अभी चलते हैं ऊपर और थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर अपनी फ्लाइट भी है। अब काउंटर खुल गए हैं तो भाई नीचे जा रहे हैं, अपना बैग जमा करवा देंगे और बोर्डिंग पास लेके फिर अंदर चल के आराम से बैठेंगे। यार नींद आ गई थी, सो गए थे थोड़ी देर, भाई थक जाते हैं ना इसलिए। बैग में भी वज़न 16.5 किलो है, भाई चलते हैं रुको थोड़ा। भाई ये मशीन है, ये स्कैनर है, ये यहाँ स्कैन करना पड़ेगा, अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो भाई ये ऐसे आ जाएगा और कंफर्म ये फिर से कंफर्म। और डन। तो भाई ये अपने आप चला जाएगा लगेज अब। यहाँ से अंदर आ गए, अब यहाँ चेकिंग होगी, चेक करवाना अपने ये सब कुछ, यहाँ रखते हैं भाई, एक बार अंदर चले जाएं फिर करते हैं भाई आपसे बात। भाई अब अपने गेट की तरफ जा रहे हैं, J11 है, अभी टाइम हो रखा है भाई 4 बजे, वहाँ से ऊपर से नीचे आ गए थे तो अभी 4:15 होंगे, तो भाई बस अभी थोड़ा उधर बैठेंगे और 6:40 पे अपना बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो तब तक बैठते हैं उधर। आप ये देखो गाइस, अब आके बैठ गए हैं यहाँ पे, ये देखो ये गेट है इधर, यहाँ 5:20 पे खुलेगा, मतलब ये देखो ओके, ये रहा ओपन टाइम 5:20। तो भाई बैठ गया, भाई वेट करते हैं, नींद भी आ रही है तो
देखते हैं, खुलते हैं तब चलते हैं अंदर। लाइन देख रहे हो गाइस कितनी लंबी है, वहाँ तक सामने तक है। तो कोई नहीं भाई, थोड़ा टाइम लग जाएगा। अभी टाइम हो रखा है 5:40, तो भाई चलो धीरे धीरे चलते हैं। मतलब धीरे धीरे लाइन बढ़ रही है आगे। आ गए हैं अंदर। ये अंधेरा ही अभी फ्लाइट में ही बैठने जा रहे हैं भाई। अपना सीट नंबर देखते हैं कौन सी मिलती है आपकी बार, कौन सी नहीं। तो चलो चलते हैं। वैसे भाई मेरी विंडो सीट नहीं थी, मैंने एक के साथ एक्सचेंज कर लिया। और बारिश हो रही है बाहर, दिखा देखो गाइस बारिश की बूंदे शीशे पे, बारिश हो रही है बाहर। कुछ नहीं दिख रहा बाहर का, बारिश हो रही है इस वजह से। भाई जब चलने के लिए तैयार हो गया, गेट वेट बंद हो गए, तो भाई 2.5 घंटे में मेरी पहुँचेगी। तो अब मेरी पहुँच की बात करेंगे आपसे। तो नींद आ रखी है, सोऊंगा अभी जो भी है 2-2.5 घंटे आराम से। देख सकते हो भाई आँखें लाल हो रखी हैं पूरी तरीके से। अभी पहुंचे मैं भी थोड़ा बहुत सो गया था बोलते। अभी इमिग्रेशन हुआ, उसके बाद कोई लेने आएगा तो फिर चलेंगे। उसके बाद बस में बैठ के फिर चले। ओ भाई ये देखो भाई बाहर का नज़ारा कितना बढ़िया लग रहा है। सुबह के 8:30 का टाइम हुआ है, अभी चल रहे हैं भाई। इमिग्रेशन होगा के बाद देखते हैं कौन आता है कौन नहीं। भाई यहाँ का इमिग्रेशन भी क्लियर हो गया, अब लगेज लेने के लिए आ गए नीचे। यहाँ इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, कुछ पूछा नहीं, बस कर दिया इन्होंने क्लियर। तो भाई एक बार लगेज और ले लेते हैं फिर करते हैं उसके बाद। अभी किधर है भाई, बाहर आ गए हैं और अभी देखते हैं कितना टाइम और लगता है। ये तब तक बाहर का नज़ारा देखो गाइज। भूख लग गई यार बहुत ज़ोर से, यहाँ पीछे लेटे हुए थे तो भाई भूख लगाई। अभी कुछ चल के खाते हैं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, फिर उधर ही देखेंगे। शाम तक पहुँचेंगे तो फिर उधर ही देखेंगे क्या खाएंगे क्या जी। गाइज कॉफ़ी ली है तो भाई अभी इसको पीते हैं और अब इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं भाई जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और भाई जो नया है वो सब्सक्राइब कर देना भाई। इंस्टाग्राम और उसका लिंक, फेसबुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो भाई वहाँ भी फॉलो करो। ओके बाय।